हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतना बन ठन के। ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, आपको बता देती हूँ। मैंने सिर्फ हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ है, बट फिर भी आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं तो जा रही हूँ। और शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ कानपुर। या हम सभी कानपुर जा रहे हैं। कानपुर, मैं, शिवानी, श्रद्धा और मम्मी, हम चारों लोग कानपुर जा रहे हैं। बिकॉज़ अब जो भी आपने शॉपिंग वीडियोस देखे थे, वो ऑब्वियसली मैंने अपनी शादी और एंगेजमेंट के लिए जो भी शॉप किया था, तो उन सब का यूज़ भी तो करना है। अपार्ट फ्रॉम द जोक, हम सब कानपुर जा रहे हैं। तो कानपुर में ही मेरे जितने भी फंक्शंस होने वाले हैं, लाइक मेरी एंगेजमेंट फंक्शन जो भी होने वाला है, और मेरी शादी के जितने फंक्शंस थे, वो सारे कानपुर में ही होने वाले हैं। तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कानपुर के लिए। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं कानपुर एंड यहाँ पर शिवानी दिखा रही कि देखो मैंने क्या क्या ले रखा है। हाँ, तो फाइनली अब हम लोग कानपुर के लिए निकल गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चारबाग रेलवे स्टेशन, बिकॉज़ मुझे ट्रेन ज़्यादा बेटर लगती है इन कंपेरिजन टू बस। अच्छा, आपको क्या लगता है बेटर, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्रेफरेंस बताऊँ तो मुझे ट्रेन ज़्यादा बेटर लगती है, उसमें अच्छे से हम लोग इन्जॉय करते हुए जाते हैं। ट्रेन में क्या होता है, मतलब सॉरी, बस में क्या होता है, हम लोग बंधे हुए चले जाते हैं। तो ये सामने हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। अच्छा, ये ट्रेन ना यहीं से लग के चलती है, यानी कि चारबाग में जो छोटी लाइन है वहाँ से ही चलती है। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम का इशू नहीं था कि फटाफट आना है और 10 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा सीन नहीं था। तो हम लोग को ट्रेन प्रॉपर मिल गई थी, बिकॉज़ यहीं से लग के चलती है तो काफ़ी देर तक यहाँ खड़ी रहती है। और हम लोग जब आए थे उसके आधे घंटे बाद ही निकली थी, तो हम लोग ईज़िली पहुँच गए थे। तो यहाँ पर हमने अपनी ट्रेन पकड़ ली है और हम लोग आराम से बैठ गए हैं। और चारबाग रेलवे स्टेशन के आपको थोड़े से नज़ारे दिखा रहे हैं। मैं सोचा थोड़ा बहुत और शूट कर लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम सभी बैठ चुके हैं। मुझे ये ट्रेन ज़्यादा बेटर लगती है, जस्ट बिकॉज़ कि ये बहुत जल्दी है, सुपर फास्ट है आई थिंक। और मुझे इस टाइम पे ट्रेन का नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको बता दूंगी किसी अदर व्लॉग में। तो हम लोग इस ट्रेन से जाते हैं, बिकॉज़ ये शाम को आई थिंक 4:30 या 5:30 बजे चलती है ना। और इधर काफ़ी दिन से मैं ट्रेन से गई नहीं हूँ, 1.5 महीना हो गया, तो मुझे उतना 1.5 महीना से भी ज़्यादा हो गया, तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है कि ट्रेन का नाम क्या है और टाइमिंग भी मुझे याद नहीं रही। बट हाँ, ये मुझे याद है कि 1.5 घंटे में ये इजीली पहुंचा देती है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। और जो भी वेट करना पड़ता है वो कानपुर के ट्रैफिक का वेट करना पड़ता है। अच्छा, इन ट्रेन्स में अब जो ट्रेन आती है उसमें अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपना चार्जर भी लगा सकते हैं, चार्जर पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर शिवानी ने अपना चार्जर लगा लिया है अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, बिकॉज़ हम लोग बहुत ढेर सारी रील्स बनाने वाले हैं। आपको रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ना किया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के एंड में भी आपको ढेर सारी रील्स मिलने वाली है, मैंने रिकॉर्ड की है। अच्छा, जिसमें कॉपीराइट आ रहा है उसमें मैंने कुछ और सॉन्ग लगा दिया है, और सॉन्ग का क्रेडिट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा सॉन्ग यूज़ किया है। तो अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कानपुर सेंट्रल। ये हम लोग नीचे वाला जो रास्ता होता है वहाँ से जा रहे हैं, जो कि घंटाघर की तरफ खुलता है जाके। अगर आप लोग कानपुर वाले होंगे या कानपुर गए होंगे कभी, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से बुक कर ली थी अपनी ऑटो, आराम से वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी। और अगर आप ज़्यादा लोग हैं, 3-4 लोग हैं, तो आई थिंक आप बुक करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि आप सिंगल सिंगल जा रहे हो। और अगर कानपुर मेट्रो की बात करें तो कानपुर मेट्रो सिर्फ मोती झील तक ही है। इनको ना कानपुर सेंट्रल तक कर देना चाहिए, चारबाग तक तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे ये लोग। हाँ, तो कानपुर सेंट्रल तक कर देना चाहिए, जिससे मतलब इतना जो ट्रैफिक होता है ना, वो उससे हम लोग को मुक्ति मिले और हम लोग आराम से और टाइम से घर जा सकें। तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। हाँ, तो फाइनली अब हम लोग को मिल गई है हमारी ऑटो, और अब हम यहाँ से जाएंगे। और लिटरली जितना हम लोग को टाइम लगा था ना लखनऊ से कानपुर आने में, उससे ज़्यादा टाइम लग गया था सिर्फ कानपुर सेंट्रल से घर तक पहुँचने में। मतलब इतना ज़्यादा उस दिन ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं क्या बताऊँ। मतलब अभी आपको सामने दिख रहा होगा कि अभी रोशनी दिख रही थी, अभी एकदम से अंधेरा दिख रहा है। तो ये अंधेरा दिखने का जो है ना, वो इसी वजह से, बिकॉज़ हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो और उस टाइम पे ना होता ये था कि दिन छोटे हो रहे थे, ठंड का टाइम था, दिन छोटे हो रहे थे, तो इस वजह से अंधेरा बहुत जल्दी हो भी जाता। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं घर, एंड घर पहुंचते ही हम लोग को काम में लगा दिया गया था, बिकॉज हमारे मामा जी जो है ना, वो फटाफट बोले कि बस स्टार्ट करते जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास बिल्कुल किसी भी चीज़ का, तो जितना काम हो पाए फटाफट से निपटा लो। तो यहाँ पर हम लोगों को
अच्छा, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी कि हम लोग पहुँच गए, अब हम लोग को कुछ ना कुछ काम करना है, तो बताओ काम हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ गए थे और अच्छी खासी पंचायत लड़ा रहे थे, और मैंने पंचायत स्टार्टिंग लेकर अंत तक रिकॉर्ड नहीं की थी, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर डाला है। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी व्लॉग मैं करूँ तो उसी में बोलूँ, पीछे से वॉइस ओवर ना करूँ। तो यहाँ पर ये मेरी मामी जी हैं, तो ये भी डाल रही थी पैसे अच्छे से, सब लोग नेक डाल रहे थे। अच्छा, सच बताइएगा, आपको नेक वाले पैसों में मज़ा आती है कि नहीं आती? कितना भी आप कमा रहे हो, नेक में जो मिलता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। ऊपर से एक तो लिफाफे खोलने के बाद उसमें से क्या निकलना होता है, उसकी एक्साइटमेंट और खुशी, मतलब क्या बताएं। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाती है जब मुझे नेक मिलने वाला होता है तो, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहती हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग लिफाफे भर रहे हैं, लाइक मेरे मामा हैं, मामी हैं ये सेतु और शिवानी। सेतु को आपने पिछले पुराने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, जब मैं कानपुर गई थी और हम लोग घूमने गए थे गंगा बैराज और इस्कॉन टेंपल, तब सेतु को आपने देखा होगा, और सौम्य को भी देखा था। तो सौम्य ना अगले आने वाली वीडियोज़ में आपको देखेगा, बिकॉज मैंने सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए। आज की वीडियो में सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं, बिकॉज अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट डे से है उसका व्लॉग। तो इंगेजमेंट से पहले जो भी हम लोगों ने प्रिपरेशन की है, यानी कि मेरा पर्सनल जो भी प्रिपरेशन रहा है, वो उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, एंड आपके यहाँ कैसी चीज़ें होती हैं वो भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को इन्जॉय करिए, एंड लास्ट में मैंने रील्स भी डाली हुई हैं जो कि मैंने तब रिकॉर्ड की थी, तो उनको भी ज़रूर इन्जॉय करिएगा। बाय बाय। वो पुराने दिन, दिन सुहाने दिन, आशिकाने दिन, वो शिकी नवी में भीगे, वो पुराने दिन, दिन गुजर गए हम किधर गए, पीछे मुड़ के देख पाया सब ठहर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ क्या कुछ पता नहीं। आफरी 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 एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया।